सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की दुआ और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो उसी टॉपिक पे बताने वाले कि जैसे बहुत सारे लोग आते हैं पहली बार दिल्ली, बहुत सारे कपल हैं, या फिर पहले एग्जांपल में लिया जाएगा जो कोई कपल आता है उनका बजट सही नहीं है, या और भी कोई लोग हो जिनका बजट सही नहीं है और दिल्ली आए हैं या घूमने या कोई काम से या कुछ भी काम हो, सीधी सी बात है कोई भी बात हो, पर दिल्ली आते हैं पर उनका बजट नहीं होता है। सही मेन मुद्दा ये, तो उसी बजट को लेकर के मैं वीडियो बनाया हूँ, ये वाला वीडियो लाया हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि अगर जो सही बजट ना हो और ट्रैवल करना हो तो सस्ते में ट्रैवल कैसा सही रहेगा, दिल्ली में कौन सा ट्रैवल सही रहेगा, है कि नहीं सर? तो इसी पॉइंट पे हम लोग इस वीडियो को बनाए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर जो बात बजट का किया जाए भाई, तो उसमें से मैं अगर जो ऊपर से ही नीचे आता हूँ कि सबसे महंगा कौन है, उसके बाद धीरे 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 सस्ते पे आते हैं। तो भाई देखो, पहले जो हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? वाह यार, निशा का तो आज कुछ ज़्यादा इस बार बोल लाया। चलिए कोई बात नहीं। हाँ भाई, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना और बताना चालू करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत, आपको मतलब बहुत अच्छी बातें बताने वाले हैं आपके लिए। हाँ जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर जो सबसे ऊपर रखा जाए तो वो भाई कैब है। कैब जो है सबसे महंगा है अगर जो दिल्ली में कहीं के लिए भी कहीं भी जाते हो तो, लेकिन हम दिल्ली के लिए बता रहे हैं, तो कैब भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा। उसके बाद अगर जो देखा जाए तो कैब के बाद अगर जो बात किया जाए तो फिर उसके बाद ऑटो आ जाएगा, ऑटो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा। उसके बाद की बात किया जाए तो उसके बाद अगर थर्ड पे देखा जाए तो मेट्रो आएगा। थर्ड नंबर पे मेट्रो, वो भी सस्ता ही है, दिल्ली में आप कहीं भी ट्रेवल करें लेकिन काफ़ी सस्ता है मेट्रो भी। एक बात कहा जाए तो बहुत अच्छा, मतलब यातायात के लिए बहुत बढ़िया एक साधन है मेट्रो दिल्ली में, ठीक है? उसके बाद अगर जो फोर्थ पे रखा जाए तो फोर्थ पे कहूँगा जो इंसान चलाते हैं रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं, बैटरी वाला रिक्शा नहीं, चलाने वाला रिक्शा जिस पे खुद के शरीर की खून जलाने पड़ते हैं, वो रिक्शा, ठीक है? उसके बाद अगर जो पाँचवें नंबर पर रखे तो पाँचवें नंबर पर आएगा ई रिक्शा, जिसे टोटो वगैरह भी कहते हैं हम लोग, बैटरी रिक्शा जिसको कहते हैं। और जो कि सबसे लास्ट में आएगा, जो कि सबसे बेस्ट है, वो कहेंगे बस। बस है कि नहीं? अगर जो आप लड़की हो ना तो बस पे आप बिल्कुल फ्री ट्रेवल कर सकते हो आप, ठीक है? बिल्कुल दिल्ली की बात बता रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, तुम बोलो कुछ। ये सिर्फ आपको हम दिल्ली की बात बता रहे हैं कि लड़कियों के लिए दिल्ली में बिल्कुल फ्री सेवा है बस में। और अगर जो लड़का हो भाई तो आपका हाईएस्ट अगर जो मैं किराया बताऊं तो वो 15 रुपये आता है नन एसी बस पे, नन एसी बस पे 15 रुपये। आप उस बस जहां से स्टार्ट होता है, जहां से स्टार्ट हुआ एक छोर से दूसरे छोर तक, वो दिल्ली का पहुंचा देगा, समझ लो दिल्ली घुमा देगा आपको 15 रुपये में, ठीक है? ये बिल्कुल सस्ता ही समझा जाए, कि नहीं निशा? लेकिन हाँ, अगर कोई नए कपल से, कोई नए लोग हैं दिल्ली में आए, अगर बस से सफ़र करना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए बस नंबर कि उनको जाना कहाँ है, क्योंकि हर अलग अलग जगह पे हर जगह का बस नंबर चलता है। तो अगर आपको सदर बाजार जाना है तो आपको डायरेक्ट वो बस नहीं जाना है। जैसे एग्जांपल के लिए स्टेशन के आपको सबसे करीबी जगह बताता हूँ, सीपी जो की है, तो सीपी जाते हैं, जैसे वो शिवाजी पार्क है, शिवाजी स्टेडियम नाम का उसका बस स्टैंड है, तो वहाँ आप जा सकते हो। मतलब हर जगह के लिए बस नंबर है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई भी बस बैठ के आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चला जाएगा, नहीं, हर बस का बस नंबर है। आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ के लिए बस बैठी है। अगर जो आपको बस नंबर नहीं आता है पता, तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि हमको स्टेशन से, मतलब न्यू दिल्ली स्टेशन टू सीपी, बाय द वे एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, तो बता देगा कि कितने कितने नंबर के बस जाते हैं यहाँ से, ठीक है? ये और एक बात और, हाँ, कि बस हर जगह नहीं रुकता, ये जो फ्री का बस जो चल रहा है ये हर जगह नहीं रुकता, इसका बस स्टैंड है, ठीक है? वहीं आप जा करके रहोगे खड़ा तभी रुकेगा, क्योंकि इसके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन, ये पैसा के लिए तो काम नहीं कर रहा है कि आप इसे पैसा दोगे भाई फ्री का सेवा तो अपना मर्जी से नहीं, मतलब ये रोकेगा, ये जहाँ बस स्टैंड रहेगा वहाँ रहेगा, ठीक है? अगर जो एसी बात किया जाए एसी बस की, तो एसी भी लड़कियों के लिए फ्री है, और लड़का के लिए हाईएस्ट किराया उसमें देखा जाए तो 25 रुपये, और मिनिमम किराया जो उसमें 10 रुपये, और नॉन एसी में मिनिमम किराया 5 रुपये और हाईएस्ट किराया 15 रुपये, है ना निशा? तो सोचिए यही सब आप लोगों को बता दे कि अगर जो आप पहली बार दिल्ली आते हो और चाहते हो कि लुटा ना जाए किराए के चक्कर में, क्योंकि अक्सर लोग लुटाए जाते हैं, ठगाए जाते हैं ऑटो पे टोटो पे, या फिर बोला जाए कैब पे, अक्सर लोगों को ठग लेता है, इसलिए ठगे मतलब खुद को ठगाने से बचना है तो गूगल कर लिया करिए, हमारा वीडियो देख लिया कीजिए। हम तो बहुत सारे वीडियो बनाए दिल्ली के लिए, एक एक जानकारी शेयर कर दी, और बाकी इस वीडियो में भी सारी जानकारियाँ बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर जो आप लोग नए हैं तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग जॉब वगैरह करते हो, यहाँ से वहाँ जाते हो, तो भाई बस का सहारा लिया कीजिए, बिल्कुल सस्ता ऑफर है,
तो फिर बस का ही सहारा लेना चाहिए। नहीं जानकारी है बस की तो गूगल पे टू जेड लोकेशन बता देगा कितने नंबर का बस कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, आप सब कुछ जानकारी ले सकता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर किसी को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में आकर हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर दीजिए, वहाँ से भी बात हो जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है rahuljaikar00 और हमारा एक शॉर्ट्स चैनल है जो सिर्फ मेरा है शॉर्ट्स चैनल। हाँ, उसका नाम है निशा जयकर शॉर्ट्स। निशा जयकर शॉर्ट्स, प्लीज़ आप लोग हमारे शॉर्ट्स चैनल पे भी आकर उसे विजिट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर जो आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरे चैनल पे भी विजिट कीजिएगा, बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे मिलिएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय।